नमस्कार, योर मनी में आपका स्वागत है। मैं हूं कविता थपलियाल। योर मनी में आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड्स की और दर्शकों के सवालों के जवाब देंगे वाइस इन्वेस्ट एडवाइजर्स के सीईओ हेमंत सुस्ते की। आपका स्वागत है हेमंत। शेयर बाजार और रुपए की उठापटक का असर म्यूचुअल फंड्स पर भी पड़ रहा है। निवेशक इक्विटी म्यूचुअल फंड से तेजी से पैसा निकाल रहे हैं। एम्फी की रिपोर्ट के मुताबिक मई में निवेशकों ने इक्विटी फंड से करीब 3400 करोड़ रुपए निकाले हैं, जो पिछले 8 महीने में सबसे ज्यादा है। जबकि पूरी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का एसेट अंडर मैनेजमेंट 5% बढ़कर ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है। जाहिर सी बात है, निवेशक बाजार की गिरावट से घबराकर इक्विटी फंड से पैसे निकाल रहे हैं, लेकिन क्या ऐसा करना सही है और इस समय म्यूचुअल फंड निवेशकों की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, जानते हैं हेमंत से। हेमंत, इक्विटी म्यूचुअल फंड पर बाजार की उठापटक का इतना ज्यादा असर क्यों होता है, सबसे पहले तो आप ये समझाइए। देखिए, जब हम इक्विटी की बात करते हैं एज एन एसेट क्लास, ये हमें जानना होगा कि इक्विटी एज एन एसेट क्लास बहुत ही वोलेटाइल होती है। जब हम पोटेंशियल की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि लॉन्ग टर्म में उसका पोटेंशियल सबसे ज्यादा है, लेकिन रिस्क क्या है? रिस्क है शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म में वोलेटिलिटी। इस बार जो वोलेटिलिटी है थोड़ा लंबे समय के, पिछले 4 या 5 साल से हम देख रहे हैं इक्विटी मार्केट में काफी वोलेटिलिटी है। जाहिर सी बात है कि उसका असर आपकी, क्योंकि इक्विटी फंड जो है वो इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, तो जो मार्केट में जो भी उतार चढ़ाव होगा उसका असर जो है वो आपके फंड्स के ऊपर पड़ेगा। अब इक्विटी में जो है डिफरेंट तरह के फंड रहते हैं, एक प्योर लार्ज कैप फंड रहते हैं, प्योर मिड कैप फंड रहते हैं, थीमेटिक फंड है, सेक्टर फंड है। आपने जिस तरह के फंड में इन्वेस्ट किया उस हिसाब से आपके फंड में गिरावट आएगी। तो अगर मान लीजिए आपने किसी इंडेक्स फंड में या लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट किया है तो उसमें बहुत ज्यादा गिरावट नहीं आएगी जितनी मार्केट में होती है। अगर कोई थीमेटिक है या सेक्टर फंड है या मिड कैप फंड है, उनमें हो सकता है बहुत ज्यादा गिरावट हो। तो डिपेंड करता है कि आपके पोर्टफोलियो में किस तरह के फंड है, किस तरह का पोर्टफोलियो मिक्स है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा आपके पोर्टफोलियो में कितना उसका असर है। लेकिन ये सही है, जैसा मैंने पहले कहा, अगर इक्विटी फंड में गिरावट है तो डेफिनेटली वो आपके पोर्टफोलियो में दिखेगी। और एज एन इक्विटी इन्वेस्टर, जब भी आप इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं आपको उसके लिए तैयार होना चाहिए। एब्सोल्युटली, तो बाजार की मूवमेंट के हिसाब से आपका फंड भी मूव करेगा, उसकी परफॉर्मेंस भी उसी तरह होगी। लेकिन क्या इस सिनेरियो में फंड से निकल जाना क्या सही स्ट्रैटेजी है? देखिए, क्या होता है, किसी भी इन्वेस्टर को दो बड़े डिसीजन लेने हैं। एक तो आप कब इन्वेस्ट करें और एक कब बाहर निकलें वहां से। जहां तक इन्वेस्ट करने का सवाल है, वो तो आप एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान अगर आप फॉलो करें या सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करें तो उससे आप थोड़ा कुछ हद तक उसको टैकल कर सकते हैं। अब जो डिसीजन है कि आप उसको कब बेचें, वो थोड़ा सा ट्रिकी है। होता क्या है, काफी बार हमने देखा है कि जब मार्केट अच्छी कर रही होती है तो सब लोग इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि चलिए अगर अच्छा कर रहा है बाजार तो इसमें थोड़ा पैसा बनने का मौका है, तो वो बना लेते हैं। जब आप इस तरह से इन्वेस्ट करते हैं तो आपका कोई टाइम होराइजन फिक्स नहीं है। बिल्कुल, आपको सिर्फ एक ही चीज दिख रही है कि आप उसमें रिटर्न बनाना चाहते हैं, आप उसका जो रिस्क है उसको नहीं देख रहे हैं। तो क्योंकि आप रिस्क नहीं देख रहे हैं और जब मार्केट वोलेटाइल होती है तो आप उसके लिए तैयार नहीं होते। क्योंकि जैसा मैंने कहा, मान लीजिए आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जो अपना एक एसेट एलोकेशन करते हैं, यानी आपके गोल्स हैं उनको डिफाइन करते हैं, फिर देखते हैं कि लॉन्ग टर्म मेरे गोल्स क्या हैं, बच्चों की पढ़ाई है या मेरे रिटायरमेंट की प्लानिंग है, उसके लिए अगर मैं इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहा हूं तो मुझे मालूम है कि मेरा टाइम होराइजन 10 से 15 साल है। जब मैं ऐसा करता हूं तो मैं वोलेटिलिटी के लिए तैयार हूं। लेकिन अगर मैंने पैसा डाला ये सोच के कि अगले 6 महीने 1 साल में मैं पैसा बनाऊं और मार्केट गिर गई, तो फिर मुझे लगा कि अभी तो कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हम लॉस बुक करना नहीं चाहते हैं। आप मार्केट में बने रहे, जैसे जैसे आपको मार्केट में थोड़ा सा चढ़ाव दिखेगा, देखेंगे मार्केट ऊपर जा रही है तो आप देखेंगे कि इन्वेस्टर वहां से निकल रहे हैं। पिछले कुछ साल में यही हमको देखने को मिल रहा है, क्योंकि आपने कोई डिफाइंड टाइम होराइजन नहीं बनाया, क्योंकि आपने उसका नेगेटिव क्या हो सकता है वो नहीं देखा, तो आप इसके लिए तैयार नहीं है। तो जैसे जैसे इन्वेस्टर देखते हैं कि मार्केट थोड़ी ऊपर जा रही है, वो अपना पैसा निकाल रहे हैं। इसी कारण से आप देख रहे हैं कि इक्विटी फंड में नेगेटिव आउटफ्लो हो रहा है। तो अगर आपको अच्छा रिटर्न चाहिए तो आपको लंबी अवधि के लिए ही उसमें निवेशित रहना चाहिए। जी बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि देखिए, जब हम पोटेंशियल की, जैसा मैंने पहले बात की, पोटेंशियल जो है इक्विटी का सारे एसेट क्लासेस से ज्यादा है, लेकिन उसमें चाहिए टाइम कमिटमेंट, उसमें चाहिए क्लियर ऑब्जेक्टिव। जैसा मैंने कहा कि अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हैं 10 या 15 साल तक, उसको समय चाहिए, टाइम कमिटमेंट चाहिए। आप चाहें कि 1 या 2 साल में अगर आप पैसा बना लें तो वो कभी बन सकता है अगर आप लकी हैं, बट जब अगर मार्केट वोलेटाइल है तो डेफिनेटली आपको उसका फायदा नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि जो भी इन्वेस्टर आज
जब मौका देखते हैं और पैसा निकाल रहे हैं, शायद वो सही स्ट्रैटेजी नहीं है। बिल्कुल, ये जरूर है कि अपने पोर्टफोलियो को देख लीजिए। हाँ। कि अगर आपने पोर्टफोलियो को काफी अग्रेसिव बनाया, देखिए क्या होता है, जब मार्केट अच्छी कर रही है तो हम चाहते हैं हम सेक्टर फंड, थीमेटिक फंड, इस तरह के फंड में इन्वेस्ट कर लें ताकि हमको बहुत ज्यादा फायदा हो। तो अगर आपने अपना पोर्टफोलियो थोड़ा एग्रेसिव बनाया है तो वो उसको आप एग्रेशन को निकाल के आप लार्ज कैप, डाइवर्सिफाइड, उस तरह के फंड रख लीजिए। लेकिन आज पैसा निकालना, अगर आपने मान लीजिए इन्वेस्ट किया 4 या 5 साल पहले, तो आपने हार्डली कुछ रिटर्न बनाया है। तो 5 साल में अगर आप कुछ भी रिटर्न किए बिना आप निकाल रहे हैं, इनफैक्ट एक और चीज करनी चाहिए इन्वेस्टर्स को, इक्विटी को वन टाइम एक्टिविटी मत बनाइए। जैसे आपने एक बार इन्वेस्ट कर दिया, उसके बाद मार्केट गिर गई तो आपको लगा अरे अब तो मार्केट गिर गया तो हम पैसा नहीं डालेंगे, वो नहीं करना चाहिए। अगर आप उसको फॉलो अप करें रेगुलर इन्वेस्टमेंट से, जरूरी नहीं है कि आप हर बार एसआईपी के द्वारा इन्वेस्ट करें, वो बिल्कुल जरूरी नहीं है। जब भी आपके पास सरप्लस पैसा हो, लॉन्ग टर्म का आप इक्विटी में पैसा लगाइए, तो आपको एवरेजिंग का फायदा होगा। उससे क्या होगा कि आप एक ही लेवल पे जो इन्वेस्ट किए हैं वो आपकी एवरेजिंग होकर कॉस्ट नीचे आ जाएगी। जैसे मैं आपको बताता हूं, पिछले 5 साल में अगर किसी ने एसआईपी से इन्वेस्ट किया है तो उनका जो, अगर मैं इंडेक्स भी पकड़ूं, इंडेक्स फंड कोई, तो उसका 8% एनुअलाइज रिटर्न है। और अगर मैं अच्छे फंड लूं जो वेल डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड है, तो वहां पे रिटर्न 10 से 17% एनुअलाइज रिटर्न आता है। तो ऐसा नहीं है कि पिछले 5 साल में आपने रिटर्न नहीं बनाया। जैसा मैंने कहा, जरूरत है एक डिसिप्लिन अप्रोच की, एक क्लियर टाइम होराइजन की और सही तरह के फंड कॉम्बिनेशन की, तब आप इक्विटी से पैसा डेफिनेटली बना सकते हैं। हाँ, उतार चढ़ाव रहेगा। अगर आप इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको उसके लिए तैयार होना पड़ेगा, तभी हम डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं। देखिए, जब इक्विटी फंड अच्छा नहीं कर रहे हैं तो डेट अच्छा कर रहे हैं, बीच में गोल्ड अच्छा कर रहे थे, इसलिए आप डाइवर्सिफिकेशन करते हैं। तो अगर एक एसेट क्लास अच्छी नहीं कर रही है, इसका मतलब ये नहीं कि आप वहां से निकल के किसी दूसरे एसेट क्लास में चले जाएंगे। अपना पोर्टफोलियो रीबैलेंस किया जा सकता है, आप उसको रीवैम्प कर सकते हैं। रीबैलेंसिंग, बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही कहा, रीबैलेंसिंग इज द राइट वर्ड। क्योंकि अगर आप रीबैलेंसिंग करते हैं तो क्या होगा, जब आप इक्विटी में एक्सपोजर ज्यादा हो गया तो कम करेंगे, यानी प्रॉफिट बुक करेंगे। आप एसेट क्लास से पूरा निकल नहीं रहे, तो यानी जब अगली बार जब बाजार ऊपर जाएगा तो आपको उसका फायदा होगा। जब आप एब्रप्टली किसी एसेट क्लास से बाहर निकल जाते हैं, तो अगर मान लीजिए बाजार अगर ऊपर चला गया तो आपको उसका फायदा नहीं होगा। तो रीबैलेंसिंग कीजिए, एसेट एलोकेशन को बनाए रखिए और एसेट क्लास में बने रहिए। आई थिंक ये बहुत जरूरी है। अब ऐसे में म्यूचुअल फंड का घटता एयूएम, वो कितनी फिक्र की बात है? एसेट अंडर मैनेजमेंट जो घट रहा है लगातार, हम जो देख रहे हैं, वो कितनी फिक्र करने की बात है? देखिए, एक तो है ओवरऑल इक्विटी फंड्स का एयूएम घट रहा है, क्योंकि जैसा हमने कहा कि अगर मार्केट नीचे जा रही है तो ऑब्वियसली एयूएम नीचे जाएगा। उसके बाद अगर लोग इन्वेस्टर रिडीम कर रहे हैं तो भी एयूएम नीचे जाएगा। अब आप किसी पर्टिकुलर फंड की अगर बात करें तो देखिए, जितने भी थीमेटिक फंड हो सकते हैं या जो एग्रेसिव फंड है, वहां से लोग पहले निकलते हैं, तो हो सकता है कि उसमें अगर एयूएम बहुत ज्यादा गिरा है तब वो डेफिनेटली चिंता की बात है। क्योंकि जब उसके बाद मार्केट में रिकवरी होगी, क्योंकि फंड मैनेजर के पास फ्रेश पैसा नहीं आ रहा है, तो वहां पे फर्क हो सकता है। लेकिन जितने वेल डाइवर्सिफाइड फंड हैं, जनरली हमने देखा है कि जो लोग, जो इन्वेस्टर्स अभी एसआईपी के द्वारा इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो तो अपनी प्रोसेस को कंटिन्यू कर ही रहे हैं, तो वहां पे पैसा आ रहा है। लेकिन अगर आपके फंड में बहुत ज्यादा एयूएम घट गया है, यानी अगर मान लीजिए 10% मार्केट गिरा और आपके फंड का एयूएम भी 10% गिरा, तो मुझे लगता नहीं कोई चिंता की बात है, एज लॉन्ग एज वहां पे पैसा आ रहा है वहां पे। बट अगर आपका मान लीजिए मार्केट गिरा 10% और आपके फंड का एयूएम गिरा 30-40%, तो वहां पे आपको थोड़ी चिंता होनी चाहिए। आपको समझना चाहिए कि इस फंड का एयूएम क्यों गिर रहा है। यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि अगर मान लीजिए एक मिड कैप फंड है, उसमें से अगर इन्वेस्टर पैसा निकाल रहे हैं, तो मिड कैप फंड का इशू क्या है, उसमें लिक्विड और इलिक्विड स्टॉक रहते हैं। अच्छा। तो जब अगर रिडम्पशन प्रेशर आएगा तो फंड मैनेजर पहले जो है लिक्विड स्टॉक को बेचेंगे। बिल्कुल। यानी जो इलिक्विड स्टॉक अगर आपके फंड में रह गए तो उनमें गिरावट और ज्यादा होगी, उसमें वॉलिटिलिटी और ज्यादा होगी। तो वो डिपेंड करता है आप किस तरह के फंड है। इसका मतलब अगर एयूएम गिर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको बहुत ज्यादा चिंता करने की बात है। लेकिन जैसा मैंने कहा, अगर एयूएम बहुत ज्यादा गिर रहा है और आपका अगर मिड कैप फंड है या थीमेटिक फंड है या एक सेक्टर फंड है, तो वहां पर डेफिनेटली चिंता का विषय हो सकता है। तो डेफिनेटली वो इन्वेस्टर को पता करना चाहिए कि उस पर्टिकुलर फंड में जो एयूएम गिरा किस कारण से गिरा है, और जैसा मैंने कहा बहुत ज्यादा गिरा है, तो शायद वो समय है उस फंड से निकल के एक वेल डाइवर्सिफाइड फंड के अंदर जाने के लिए। अब फॉर एग्जांपल कोई उस फंड में बिकवाली के बावजूद भी बना हुआ है, तब उसे क्या करना चाहिए? रीबैलेंस की स्ट्रैटेजी अपना लेनी चाहिए? देखिए, जैसा मैंने कहा, अगर मान लीजिए आप किसी थीमेटिक फंड में है और वो थीम अभी नहीं चल रहा है, उस फंड में हो सकता है उस थीम को दोबारा से परफॉर्मेंस देने के लिए 2-3 साल और लग जाए। तो अगर आप उसके लिए तैयार हैं, अगर आप जानते हैं आपने किस कारण से इन्वेस्ट किया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप अगर इस उम्मीद में बने हुए हैं, देखिए कई बार क्या होता है, इन्वेस्टर्स को लगता है कि जो फंड ज्यादा गिरेगा वो फंड उतना ही ज्यादा ऊपर भी आएगा। बहुत जरूरी नहीं है वो, डिपेंड करता है आप किस तरह के फंड में। अगर आप थीमेटिक सेक्टर या स्पेशलिटी फंड में है, तो हो सकता है वहां पे गिरावट ज्यादा हो और रिकवरी कम हो। तो आई थिंक वो एक
ऐसा प्रिंसिपल ना लेके चले कि फंड में अगर 20% गिरावट है तो 20% ही उसमें चढ़ाव मिलेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं। तो ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है ये जानना कि आप जब इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखें, तो वो कौन कौन सी पॉइंट्स? देखिए, सबसे मैंने पहले कहा अपने गोल्स बेस्ड इन्वेस्टिंग कीजिए। जब आप ऐसा करते हैं तो आपकी एसेट एलोकेशन बिल्कुल सही होती है, यानी लॉन्ग टर्म का पैसा इक्विटी में जाएगा, मीडियम टर्म का पैसा शायद बैलेंस फंड में जाएगा और शॉर्ट टर्म का पैसा जो है डेट में जाएगा। क्योंकि आपने लॉन्ग टर्म का पैसा इक्विटी में लगाया है, आप मेंटली प्रिपेयर्ड हैं उसको वेट करने के लिए। दूसरा, जैसे मैंने पहले कहा, वन टाइम एक्टिविटी मत बनाइए उसको। एक इक्विटी में इन्वेस्टमेंट एक प्रोसेस है, ये जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा एसआईपी के द्वारा ही इन्वेस्ट करना है, क्योंकि हर इन्वेस्टर के लिए पॉसिबल नहीं है एसआईपी के द्वारा इन्वेस्ट करना। लेकिन अगर आप इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी कमिटमेंट होनी चाहिए कि मैं इतने साल इन्वेस्ट करूंगा और जब जब मेरे पास लॉन्ग टर्म का पैसा आएगा मैं उसमें इन्वेस्ट करूंगा। तीसरा, परफॉर्मेंस, नेगेटिव परफॉर्मेंस इक्विटी में अगर है, आपकी नेगेटिव रिटर्न है, तो वो पुअर परफॉर्मेंस नहीं माननी चाहिए उसको। अगर मार्केट 10% गिरा है और आपका फंड 8% या 7% गिरा है, तो एक्चुअली फंड मैनेजर ने मार्केट से अच्छा आपको परफॉर्म करके दिखाया है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि मार्केट 10% गिरा और आपका फंड 10% ऊपर जाएगा। एसेट क्लास के जो रिस्क हैं एज एन इन्वेस्टर, वो आपको समझना चाहिए। वो समझ के ही आप इन्वेस्ट कीजिए। अगर आप वो समझ के इन्वेस्ट करेंगे तो कभी भी आपको डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी। हाँ, ये सही है, जब आप अपने पोर्टफोलियो में नेगेटिव रिटर्न देखते हैं तो किसी भी इन्वेस्टर को तकलीफ होगी, पर जैसा मैंने कहा, अगर आप सही उद्देश्य से इन्वेस्ट कर रहे हैं, सही टाइम होराइजन से इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो डिसअपॉइंटमेंट बहुत कम होती है। बिल्कुल, और थोड़ा सा रिस्क एपेटाइट के साथ भी आपको चलना चाहिए। जी हाँ, क्योंकि आप उसके लिए तैयार हो जाते हैं। शॉर्ट टर्म में और मीडियम टर्म में हमको वॉलेटिलिटी का सामना करना पड़ सकता है। एब्सोल्युटली, जैसा कि हेमंत यहां पर बता रहे हैं, अगर आप भी किसी इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेशित हैं, आपने वो फंड में पैसे डाले हुए हैं, तो घबराएं ना उसकी परफॉर्मेंस को लेकर, थोड़ा सा इंतजार करें। और अगर आपको फिर भी निकलने का मन है तो अपने पोर्टफोलियो को फिर से एक बार रीबैलेंस कीजिए, उसे रीवैम्प कीजिए। और हां, अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में पैसे डालना चाहते हैं तो बहुत जरूरी है डिसिप्लिन मेंटेन कीजिए और लंबी अवधि के लिहाज से ही उसमें निवेश कीजिए। इसी के साथ योर मनी फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम शुरू करेंगे हमारा सवाल जवाब का सिलसिला। आप बने रहिए हमारे साथ। प्योर मनी में आज हमारा फोकस है म्यूचुअल फंड्स पर और सवालों के जवाब दे रहे हैं हेमंत रस्तगी। शुरुआत करते हैं पहले सवाल के साथ। अनुज का नई दिल्ली से ईमेल आया है। इन्हें गिल्ड फंड में घाटा हो रहा है, ब्याज दरें घटने की गुंजाइश देखकर इन्होंने 2 हफ्ते पहले एसबीआई मैग्नम गिल्ड फंड में पैसे लगाए और जब से पैसे लगाए हैं तब से इनका जो निवेश है वो घट रहा है। ये जानना चाहते हैं कि फंड में बने रहें या इससे निकल जाएं, साथ ही क्या लॉन्ग टर्म गिल्ड फंड में लंबी अवधि तक बने रहने पर क्या मुनाफा हो सकता है। एक और सवाल है इनका, गिल्ड फंड से अच्छे रिटर्न की उम्मीद कब तक की जानी चाहिए, ये भी जानना चाहते हैं। और इसके अलावा बॉन्ड फंड में भी इनका निवेश है, एसबीआई डायनेमिक बॉन्ड फंड का प्रदर्शन भी अब तक अच्छा था लेकिन ये कहते हैं कि कुछ दिन से रिटर्न घट रहा है, तो इसमें इन्हें क्या करना चाहिए। तो हेमंत, हमारा जो टॉपिक था डिस्कशन का, उसी से मिलता जुलता सवाल है ये। गिल्ड फंड की जहां तक बात है, इसमें से भी बहुत बिकवाली हुई है हमने देखा, और मई महीने में कम से कम 500 करोड़ तक की बिकवाली हो चुकी है। तो सबसे पहले तो आप ये समझाइए कि गिल्ड फंड होते क्या है और कैसे रिलेटेड है ये इक्विटी परफॉर्मेंस से, शेयर बाजार से। देखिए, ऐसा है, गिल्ड फंड जो होते हैं, मतलब ये वो फंड है जो सिर्फ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं, ये बेसिकली डेट फंड है। तो अगर हम इक्विटी मार्केट से देखें तो उनका कोई डायरेक्टली कोई लिंक नहीं है, दीज आर प्योर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फंड। होता क्या है कि जो इंटरेस्ट रेट और जो बॉन्ड प्राइसेस हैं उनके अंदर इन्वर्स रिलेशनशिप है, यानी डिफरेंट डायरेक्शन में जाते हैं। तो जब इंटरेस्ट रेट गिरते हैं तो जो एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स हैं उनके प्राइस ऊपर जाते हैं, क्योंकि नए बॉन्ड के जो रिटर्न हैं वो कम होते हैं। तो इसलिए जो पहले वाले बॉन्ड हैं जहां पर रिटर्न इन्वेस्टर्स को ज्यादा मिल रहा है, उनकी डिमांड ज्यादा होती है, और बिकॉज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर उनके जो प्राइसेस जो है ऊपर जाते हैं। उससे जो बॉन्ड फंड है, जो गिल्ड फंड है, उनको फायदा होता है। अब जैसे गोल्ड, जैसे गिल्ड फंड है, जैसे मैंने कहा प्योर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं, ऐसे ही डेट फंड रहते हैं, इनकम फंड रहते हैं, उसमें भी अलग तरह के फंड है। एक लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन फंड रहता है जिसमें जो फंड मैनेजर हैं वो एक पोर्टफोलियो का जो ड्यूरेशन रहता है, यानी कि उनकी जो एवरेज मेच्योरिटी है वो बढ़ा देते हैं, मान लीजिए 6 या 7 या 8 साल कर दिया। क्योंकि जो इम्पैक्ट है इंटरेस्ट रेट का, वो जितना लंबा आपका ड्यूरेशन होगा उसके ऊपर ज्यादा होगा, दोनों साइड से। अच्छा। वॉलेटिलिटी भी ज्यादा होगी। हाँ। और आपको फायदा भी ज्यादा होगा। बिल्कुल।
उस तरह से एक डायनेमिक बॉन्ड फंड है जहां पे फंड मैनेजर के पास फ्रीडम है, वो चाहे तो वो जो मेच्योरिटी है उसको कम या ज्यादा कर सकते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में अपना एक्सपोजर कम कर सकते हैं, कॉर्पोरेट या पीएससी बॉन्ड डेट्स में वहां पे बढ़ा सकते हैं। तो उस तरह के डायनेमिक बॉन्ड फंड है, तो डिफरेंट कैटेगरी के फंड है। जैसा मैंने कहा, या इन्वर्स रिलेशनशिप के कारण जब इंटरेस्ट रेट नीचे जाते हैं तो ये इनकम फंड और जो गिल्ड फंड है उनके रिटर्न अच्छे होते हैं। अब होता क्या है, जैसा आपने इक्विटी में बात की, एक्चुअली वही ऐसा कुछ यहां पे भी होता है। सही समय कब है इन्वेस्ट करने का? जब इंटरेस्ट रेट गिरने की उम्मीद हो, तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिस्क लेना है उस समय पे कि चलिए अगर हमको लग रहा है कि अगले एक या दो साल में इंटरेस्ट रेट नीचे जाने वाले हैं तो उस समय से आपको थोड़ा सा इन्वेस्ट करना शुरू करना चाहिए। लेकिन आम निवेशक क्या करते हैं, वो पहले परफॉर्मेंस को देखना चाहते हैं पेपर के ऊपर। जब वो 14-15-16% का रिटर्न आ गया, जहां पे आपको 60-70% रैली जो है शायद ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, तब जाके उनको वो अट्रैक्टिव लगता है। एग्जैक्टली जैसा इस केस में हुआ। गवर्नमेंट सिक्योरिटी गिल्ड फंड में डालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप बहुत ज्यादा रिस्क ले सकते हैं। तब देखिए, जनरल परसेप्शन क्या है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मतलब बिल्कुल सेफ है, उसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को मेच्योरिटी तक होल्ड करते हैं तो गवर्नमेंट आपको पैसा देगी। इन बिटवीन, क्योंकि उनकी ड्यूरेशन लंबी होती है, उसमें वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है। तो मेरा ये मानना है कि जो रिटेल इन्वेस्टर हैं, जो छोटे इन्वेस्टर हैं, उनको गिल्ड फंड से दूर रहना चाहिए। क्योंकि जो बाकी फंड है, डायनेमिक बॉन्ड फंड या जो डेट फंड है, उसके अंदर तो गिल्ड फंड है ही। जैसे अगर कोई भी अच्छा, अगर आप डायनेमिक बॉन्ड फंड देखें आज, तो उसके अंदर गिल्ड में कोई 40-50% का एक्सपोजर रहेगा। किसी में हो सकता है थोड़ा कम हो, 30% भी हो, लेकिन गिल्ड वहां पे है, तभी उस फंड में आपको रिटर्न मिलेगा। तो इसका मतलब यह है कि यहां से, ये बात सही है कि यहां से रेट तो गिरेंगे, इस बार गिरेंगे या अगली पॉलिसी में गिरेंगे। रिस्क क्या होता है, कितना रेट गिरेगा, दूसरा कितना समय के बाद गिरेगा। तो मान लीजिए अब यहां भी अगर आप किसी सही टाइम ड्यूरेशन के साथ या टाइम होराइजन के साथ नहीं आए, तो फिर से आप वो रिस्क ले रहे हैं। अगर आपका टाइम होराइजन 18-24 मंथ्स, 18-24 महीने का है, अगर आप डायनेमिक बॉन्ड फंड में बने हुए हैं, तो आप बने रहिए। इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं तो इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको अच्छा रिटर्न, डिसेंट रिटर्न मिल सकता है। गिल्ड फंड, जैसा मैंने कहा, ये काफी वोलेटाइल है, और इसमें अगर वोलेटिलिटी के लिए आप तैयार नहीं है तो मुझे लगता नहीं कि वो सही ऑप्शन है उनके लिए। तो अनुज को अभी क्या करना चाहिए? मेरे को लगता है अगर उन्होंने अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से ज्यादा इन्वेस्ट किया है वहां पे, तो मुझे लगता है वहां पे गिल्ड फंड से निकल जाना चाहिए उनको। डायनेमिक बॉन्ड फंड में रहें, एक तो वोलेटिलिटी थोड़ी कम रहेगी, टाइम होराइजन जैसा मैंने कहा 18-24 मंथ रखें। लेकिन अगर गिल्ड में भी, अगर मान लीजिए उनका टाइम होराइजन है 2 साल का और बहुत ज्यादा इन्वेस्ट नहीं किया है, तो वो उसमें बने रह सकते हैं। तो चलिए, आपको यहाँ पे डायनेमिक बॉन्ड फंड में बने रहने की सलाह दी जा रही है अनुज। इसी के साथ योर मनी में फिलहाल वक्त है ब्रेक का, लेकिन सवाल जवाब का सिलसिला जारी है, बने रहिए हमारे साथ। योर मनी में आज हम दे रहे हैं म्यूचुअल फंड से जुड़े सवालों के जवाब, और इसमें हमारा साथ दे रहे हैं हेमंत सुस्तगी। बढ़ते हैं अगले दर्शक की ओर। नई दिल्ली से नरेश शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद है। नमस्कार नरेश जी, अपना सवाल पूछिए। नमस्ते जी, एक्चुअली मेरे दो गोल हैं, एक्चुअली आफ्टर 2 ईयर्स एंड आफ्टर 5 ईयर्स। अच्छा, आफ्टर 2 ईयर्स आई वॉन्ट ऑलमोस्ट 10 लाख रुपीज, एंड आफ्टर 5 ईयर्स आई वॉन्ट एटलीस्ट 30-35 लाख। अच्छा, ओके। और मेरा जो इन्वेस्टमेंट है वो मैं स्टार्ट कर सकता हूँ अभी फिलहाल 2 साल के लिए 30,000 per month, एंड आफ्टर 2 ईयर्स आई कैन इंक्रीज इट टू 50,000 per month। 50,000 per month, ठीक है। तो हेमंत, आप क्या सलाह देंगे? इन्होंने शायद म्यूचुअल फंड में अभी निवेश करना बस शुरू ही किया है शायद। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर है उनके लिए म्यूचुअल फंड एक बहुत अच्छी ऑप्शन है, बिकॉज एक तो डाइवर्सिफाइड है और हर एसेट क्लास में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इनके यहाँ दो गोल इन्होंने कहा है, 2 साल का गोल और एक 5 साल का गोल है। 2 साल के गोल के लिए नरेश जी मैं कहना चाहूंगा, डेफिनेटली आप डेट या डेट ओरिएंटेड फंड, जैसे शॉर्ट टर्म डेट फंड है, उसमें बिरला डायनेमिक बॉन्ड फंड दे सकते हैं, या एक ICICI डायनेमिक बॉन्ड फंड दे सकते हैं। इस तरह का फंड देखिए, इक्विटी में इन्वेस्ट मत कीजिए। 5 साल का जो आपका टाइम होराइजन है, वहां पे मैं कहना चाहूंगा आप इक्विटी ओरिएंटेड बैलेंस फंड देख लीजिए, या एक प्योर लार्ज कैप फंड देखिए, मिड कैप फंड वगैरह इंक्लूड मत कीजिए। क्योंकि समय आपका 5 साल है, लेकिन आपके एवरेज होल्डिंग पीरियड सिर्फ 2.5 साल है, बहुत ज्यादा समय नहीं है आपके पास। तो HDFC प्रूडेंस या ICICI बैलेंस फंड देख सकते हैं, और इक्विटी में जो है वो आप ICICI फोकस देख सकते हैं। 30,000 रुपये अगर आप इन्वेस्ट करें 5 साल के लिए,
तो करीब 10% का रिटर्न मान के चलूं तो 23 लाख का एक कॉर्पस बना सकते हैं यहाँ पे। जो शॉर्ट टर्म का, जैसे मैंने कहा, उनको डेट फंड में ही इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि इनके पास अभी 30,000 है, बाद में बढ़ा सकते हैं। तो एक बार शुरुआत करें, बाद में पैसा बढ़ा के अपना गोल अचीव कर सकते हैं। चलिए, तो नरेश जी, जहां तक आपके 2 साल के गोल की बात है, आपको शॉर्ट टर्म डेट फंड्स में निवेश करने की सलाह यहां पे दी जा रही है और 5 साल के लिए आप इक्विटी फंड्स में निवेश कर सकते हैं। इसी के साथ हेमंत, बहुत बहुत शुक्रिया सभी सवालों का जवाब देने के लिए आज। और योर मनी में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। नमस्कार।